उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उत्तर प्रदेश व्यापारी बंधु व्यापार मंडल द्वारा आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार फैला रहे दलालों के खिलाफ कार्यवाही करने के विषय में जिला अधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन, जिसमें व्यापारियों ने बताया कि आरटीओ विभाग में ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी में लिप्त है। वहीं व्यापारियों ने बताया कि आरटीओ में बिना दलाल के कोई कार्य नहीं किया जाता, जहां प्रदेश शासन की ओर से टू व्हीलर की सरकारी फीस 37 रुपये है, जबकि दलाल 650 रुपये लेकर कार्य को 10 मिनट में करा देते हैं। मैं हरपाल सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी उद्योग बंधु व्यापार मंडल की तरफ से हम जो है आरटीओ विभाग में जो भ्रष्टाचारी चल रही है उसके लिए जो है हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब को, ताकि इसके ऊपर भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया जाए, वहाँ जो दलालों की प्रथा चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जेवी जैन कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो एक रेगुलर विद्यार्थी है। वहीं विद्यार्थियों ने प्राचार्यों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें बिना नोटिस दिए हमारी उपस्थिति को कम दर्शा कर हमारे परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय को नहीं भेजे। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि हमें वीडियोग्राफी दिखाई जाए, अगर हम रेगुलर हुए तो हमें कॉलेज में बैठने की अनुमति दी जाए। सर, हम जेवी जैन के छात्र हैं सहारनपुर से, तो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस भी दिखा के इन्होंने हमारे नाम काट रखे हैं। हमें एग्जाम में बैठने की बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे। इन्होंने ये कहा था, हमने हड़ताल भी करी थी, तो इन्होंने ये कहा था SDM ने इन्होंने कि भाई आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमें फिर ना फॉरवर्ड करके मेरठ भेजा गया। हम मेरठ चले गए, VC ने कहा भाई सब कुछ प्रिंसिपल के हाथ में। हम प्रिंसिपल के पास आ गए, प्रिंसिपल बात ही नहीं कर रहा, अनुकारा बाहर चले जाओ, बंसल है भी क्या बंसल, अनुकारा पुलिस को बुला लेंगे, आपको खुद जेल में डाल देंगे, आपका करियर खराब कर देंगे। हम सबके पास गए, DM के पास गए, कमिश्नर के पास गए, सबके पास चले गए, लेकिन किसी से हमें रिस्पॉन्स नहीं है किसी तरीके से भी। मतलब सही पूछे, व्यक्तिगत तौर पर मामला ले रखा, उन्हें बच्चों के फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है ना कोई चीज़ है, उन्हें मतलब ये चीज़ का है ही नहीं कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी दिखा दो, और वीडियोग्राफी दिखाकर अगर हम ना हुए रेगुलर तो आप हमारा नाम काट सकते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर हैं तो हमें बैठने की अनुमति दी जाए। सहारनपुर के तीतरो क्षेत्र के गांव सालियर में एक व्यक्ति की हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवक की पहचान कर बताया कि युवक अपने जीजा के यहां आया हुआ था, जिसका नाम अजब सिंह पुत्र सुनहरा बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक सुबह खेत में टहलने गया था, जिसकी नीचे लटकते हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।